एवरीवन, तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो मेरी गैस आई है ना, छोटी मम्मी के यहाँ से, तो जो मेरी मौसी है ना, मनीषा की मम्मी, छोटी मम्मी बोलती हूँ उनको, तो गैस में वो आया था ना, क्या बोलते हैं उसको, सिंगाड़ी का आटा। तो सिंगाड़ी का आटा होता है, सिंगाड़े होते हैं ना गीले वाले, उसको सुखा के फिर पीसा जाता है, तो उसको सिंगाड़ी का आटा बोलते हैं। तो उसको फर्स्ट में खा लेते हैं। तो मेरे को तो आता नहीं है उसका कुछ भी बनाना, तो मैंने अभी दिल्ली वाली मम्मी को फ़ोन किया था, तो मम्मी से पूछा, तो मम्मी ने मुझे बताया ऐसे ऐसे हलवा बनाते हैं। तो मुझे फिर भी ज़्यादा कुछ समझ में आया नहीं है, फिर भी मैं अपने दिमाग से करती हूँ, ठीक है। तो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा बहुत, ठीक है गाइस। तो चलिए देख लीजिए। तो इसमें हमें चाहिए ओनली सिंगाड़ी का आटा, पानी और चीनी। तो वैसे तो घी में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं डाइटिंग पे हूँ तो मैं घी यूज़ नहीं कर रही, और ना ही मेरे पास कोई ड्राई फ्रूट है इस टाइम, तो मैं वो भी यूज़ नहीं कर रही, सिंपल बनाऊँगी। तो यहाँ पे भुन चुका है, रेड हो चुका है, इतना ही भुने आप भी। तो मैंने इसको एक प्लेट में निकाल लिया ठंडा करने के लिए। तो इसको बिल्कुल अच्छे से ठंडा करना है, मैं इसको अभी पंखे की हवा में ले जाऊंगी अच्छे से ठंडा करने के लिए। तो ठंडा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिल्कुल भी गर्म ना हो, अदरवाइज़ गांठें पड़ जाती हैं इस हलवे में। यहाँ पे उसी कढ़ाई में मैंने पानी ले लिया थोड़ा सा। तो पानी में मैं डाल देती हूँ चीनी, तो आप अपने हिसाब से मीठा जितना पसंद करते हो उतना डाल लेना, मैंने अपने हिसाब से थोड़ा ही डाला है बिल्कुल। तो इसको मैं रूम में ले आई हूँ पंखे के नीचे ठंडा करने के लिए बिल्कुल। तो जब तक पानी बॉईल हो रहा है तब तक मैं इसको ठंडा कर लेती हूँ अच्छे से, उसके बाद मैं इसको कटोरी में डाल के घोल लूँगी। तो यहाँ पर हमें गर्म पानी नहीं यूज़ करना, बिल्कुल ठंडा पानी लेना है, मतलब फ्रिज का नहीं लेना, नॉर्मली रूम टेम्परेचर वाला पानी लेना है। और उसके बाद मैं अच्छे से इसकी गांठें जो भी हैं, गांठें तो वैसे पड़ेंगी नहीं ठंडे पानी में, तो आप देखते रहिए, बिल्कुल स्मूथ मैं इसको पेस्ट बना लूँगी, एक भी गांठें नहीं मिलेंगी इसमें। तो देखिए कितना अच्छा पेस्ट बन के तैयार हुआ है, बिल्कुल भी एक भी गांठें नहीं है इसमें। तो पानी बॉईल हो गया, अब मैं इसमें डाल देती हूँ इस पेस्ट को गरम गरम पानी में। यहाँ पे ना बिल्कुल बहुत जल्दी डालते ही ना एकदम गाढ़ा हो जाता है ये, मैंने बहुत कम लिया था और फिर भी देखिए कितना सारा बन गया है, एकदम गाढ़ा हो गया डालते ही। तो ज़्यादा बॉईल ना करें, छींटे मारता है अदरवाइज़ हाथ पैर जल जाएंगे, बस मैं इतना ही बॉईल कर रही हूँ। थोड़ा सा गाढ़ा होते ही मैं ले आई हूँ यहाँ पे अपने रूम में, तो मैं यहाँ पे इन दोनों प्लेटों में इसको फैला दूँगी। तो जैसे कि मैं डाइटिंग पे हूँ तो मैंने प्लेट में ऑयल नहीं लगाया, आप घी या ऑयल यूज़ कर सकते हैं प्लेट में, अदरवाइज़ ये चिपक जाएगा थोड़ा सा। वैसे मेरा चिपका नहीं था बिल्कुल भी, देखिए कितना, एक भी गांठ नहीं बनी है इसमें, पहली बार बनाया उसके हिसाब से बहुत सही बन गया है। तो अब हम इसको फ्रिज में रख देंगे एक डेढ़ घंटे के लिए, फिर इसके पीसेस काटेंगे, आपको दिखाऊंगी मैं काट के। तो मैंने थोड़ी जल्दी निकाल लिया फ्रिज में से, क्योंकि बच्चे ट्यूशन जाएंगे तो वो आफत लगा रहे हैं खाने के लिए, इसलिए आप थोड़ी देर में निकालें, डेढ़ घंटा तो कम से कम रखें ही फ्रिज में। तो मैंने तो आधे घंटे में ही निकाल लिया, तो चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैंने इसके पीसेस काट लिए हैं और प्लेट में रख लिए हैं, तो आप लोग भी आ जाइए, मैं सबसे पहले भगवान जी को भोग लगा देती हूँ और फिर आप लोग भी खा लीजिए और टेस्ट करके बताइए कैसा। तो कैसा लगा आपको हलवा? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छा लगा होगा। तो मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ अपनी वीडियो का। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है गाइस। चलते हैं, बाय बाय, राधे राधे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।